गुजरात के वडोदरा शहर में आज सुबह से ही बरसाती माहौल बना हुआ है। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक करीब 3.79 यानी 4 इंच जितनी बारिश दर्ज हुई है, जिसके चलते वडोदरा शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। वडोदरा का अलकापुरी गरनाला हमेशा की तरह पानी में डूबा हुआ नजर आया। वडोदरा के अलकापुरी गरनाले में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। कुछ लोग पैदल चलकर गरनाला क्रॉस करते हुए जरूर देखे गए, लेकिन गरनाले में पानी भर जाने से आवाजाही इस बार भी बाधित हुई। करीब 3-4 इंच बारिश में वडोदरा शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। गनीमत ये रही कि शाम होते होते बारिश बंद हो गई, लेकिन धुआंधार बारिश के चलते वडोदरा के रावपुरा, सिटी, मांडवी, न्याय मंदिर समेत के इलाकों में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश के चलते आजवा में 212.85 फीट का जल स्तर दर्ज हो रहा है। वहीं विश्वामित्री नदी शाम 5 बजे करीब 20.30 फीट पहुंच गई है। 24 से 26 फीट विश्वामित्री का भयावह जल स्तर है और आजवा और प्रतापपुरा सरोवर से लगातार आ रहे पानी के चलते विश्वामित्री नदी लगातार उफान पर है। प्रतापपुरा सरोवर का जल स्तर 225.30 फीट दर्ज हो रहा है। वडोदरा शहर में फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन आजवा और प्रतापपुरा से विश्वामित्री नदी में आ रहा पानी कहीं ना कहीं वडोदरा शहर के लिए फिर एक बार परेशानी का सबब बन सकता है।